जिसके हाथ लगा था कुश्ती है। अब आइए कुश्ती हमारे दरोगा जी साहब आ जाए, आप उस कुश्ती के हाथ मिलवा दें। हम आए साहब जी से निवेदन है कि आप हाथ मिलवाएंगे रेफरी माध्यम के माध्यम से। एक उन्नाव जो कलम और तलवार की धनी धरती है, और एक अयोध्या जो संतों की नगरी है, ये दो जनपदों के बीच आज कुश्ती का आयोजन बहुत अच्छी कुश्ती का। इस कुश्ती की धनराशि 2000 रुपए कमेटी के द्वारा, हमारे चार साहब की तरफ से दोनों पहलवानों को 1000 रुपए का पुरस्कार। वहाँ मैंने उच्चता वर्धन धनराशि पहलवानों को प्रदान किए, बहुत बहुत धन्यवाद। पहलवानदास पहलवान आए थे हर बार गली, उनका कहना है कि पन्ना को तमन्ना थी कि अरे मुझे हीरा मिल जाए, और बाबा बजरंगी पहलवान को तमन्ना थी कि सुरेंद्र पहलवान को ना मिल जाए। उन्हीं का महा मुकाबला कर रहे हैं आपके क्षेत्रीय पहलवान सुरेंद्र पहलवान उन्ना। उनका कहना है कि जो जहाजों को डुबो दे अरे उसे तूफान कहते हैं, अरे जो समूह से तूफानों को टकराओ उसे सुरेंद्र पहलवान उन्ना को जान आसान कर दे। कुश्ती का समय 10 मिनट करा दीजिए सर। बहुत अच्छे दोनों पहलवान, अरे तलवार पुरानी है नहीं है, अरे धीरे धीरे धरती जा रही है चलाने का तुम्हारा लगा रही है। एक संत और एक साहित्य, दो जनपदों का तालमेल दंगल प्रांगण के अखाड़े सुरेंद्र पहलवान हवास में लड़िए, बहुत अच्छे हम जानते हैं। आप बहुत बड़े पहलवान और बाबा बजरंगी दास बहुत बड़े पहलवान, बहुत अच्छा एक शब्द की नगरी और एक साहित्य की नगरी, ये दो नगरियों के बीच में गांव पेच का कुछ नहीं हो, बहुत अच्छा बहुत अच्छे दोनों पहलवान, बहुत अच्छा अपने गांव का प्रदर्शन कर रहे हैं, अपनी कला का प्रदर्शन कर रहे हैं। एक एक अध्यात्म से मजबूत है, एक कलम से मजबूत है, बहुत अच्छे दोनों में चक्र।